एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी आप हिंदू लोग कैसे हो? हमने कहा कैसे हैं? बोले आप लोगों के पास समझ नहीं है। हमने कहा क्यों जी, किस समझ की कमी है हम लोगों के पास? बोले आप लोग जानवर को माता कहते हैं, बताओ। गाय तो एक जानवर है, ऐसा उन्होंने हमसे कहा, तो आप माता क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई अपनी अपनी समझ की बात, गाय तुम्हारे लिए हो सकती है जानवर, हमारे लिए तो वह माता है। कैसे? जैसे गंगा का जल तुम्हारे लिए सामान्य पानी हो सकता है, जैसे गंगा हम सबके लिए माता है, ऐसे गाय हम सबके लिए माता है। तुलसी तुम्हारे लिए सामान्य पौधा हो सकता है, पर तुलसी हमारी माता है। तुलसी आपके लिए सामान्य पौधा हो सकता है, तुलसी हमारे लिए माता है। गंगा का जल तुम्हारे लिए सामान्य जल हो सकता है, गंगा हमारी माता है। गाय सामान्य पशुओं की तरह तुम्हें जानवर के रूप में दिख सकती है, पर हमारी श्रद्धा हमारी भावनाएं कहती हैं कि गाय हम सबको माँ के बाद यदि हमने किसी का दूध पिया है तो गाय का पिया है, इसलिए यदि वो माँ है तो ये भी माँ है। हमने और किसी का दूध ना पिया गाय के अतिरिक्त। दूध तो बकरी का भी होता है, दूध तो भैंस का भी होता है, पर आप ले जाइए बड़े जहां चेक होता है लेबोरेटरी इत्यादि में, ले जाइए चेक कर लीजिए बकरी के दूध को, भैंस के दूध को और गाय के दूध को। सर्वोत्तम दूध, सर्वोत्तम कहते हैं गाय का दूध, संपूर्ण आहार होता है बच्चे का। ये जो क्वालिटी है यह केवल गाय, दूध तो बकरी भी देती है, पर बकरी के दूध में वो गुण नहीं है जो गाय के दूध में है। गाय का दुग्ध अपने आप में अमृत है। आप कुछ मत खाइए, आप सिर्फ दूध पीजिए, आप दूध पीकर रहेंगे तो आप जिंदा रह सकते हैं, आप मरेंगे नहीं, और आपको कमजोरी नजर नहीं आएगी, आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी नजर नहीं आएगी। जो दूध है वह सब कुछ पूरा करता है, आपकी बॉडी की हर जरूरत पूरी करता है। इसलिए गाय को आप बकरी से या गाय को आप भैंस से तुलना नहीं कर सकते। आप एक और साइंटिफिक बात समझिए गाय को लेकर, रिसर्च में आपको देता हूं। कितना भी ठंडा प्रदेश हो, मीन्स आप जम्मू चले जाइए, लद्दाख चले जाइए इत्यादि, जहां माइनस का टेम्परेचर है वहां ले जाइए गाय को, माइनस टेम्परेचर में, वहां भी जहां आप भैंस ले जाइए, बकरी ले जाइए और गाय, तीनों को ले जाइए जहां माइनस तापमान हो, वहां ले जाइए, आप देखेंगे, आप प्रत्यक्ष इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। भैंस बकरी और गाय तीनों को ले जाइए आप ठंडे प्रदेश में, जहां अत्यधिक ठंडी है, जहां रहना पॉसिबल नहीं है, वहां ले जाइए। एक महीने के अंदर भैंस और बकरी मर जाएगी, पर गाय उस माइनस टेम्परेचर में भी जिंदा रहकर आपको दूध देकर आपका पालन पोषण करती रहेगी। ये केवल मां कर सकती है। अब ये तो रही ठंडी बात, अब आप दक्षिण में जहां अत्यधिक गर्मी होती है, जहां टेम्परेचर 50 पार रहता हो 12 महीने, 50 और हाईएस्ट ले लीजिए आप, जिस गर्मी को हम आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस गर्मी में भी गाय रहती है, बकरी और भैंस नहीं रह सकती, और वहां वो दूध देती है। इसलिए हर माहौल में वो जीवित रह करके एक माँ की तरह अपने बच्चों के लिए हर प्रांत में हर क्षेत्र में उपलब्ध है, इसलिए वो गाय है। एक बात और बता दूं, यदि गाय को कैंसर हो जाए, यदि गाय को कैंसर हो जाए और गाय दूध दे रही है, तो गाय का कैंसर
उस गाय के दूध में नहीं आएगा। जबकि आप भैंस और बकरी को कैंसर हो जाए तो उसका कैंसर उसके दूध में पूरा इफेक्ट करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, रिसर्चें कह रही हैं। इसलिए इस साइंटिफिक रीजन से गाय को आप बकरी और गाय को आप भैंस से कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। गाय माता है, इसलिए गाय को ऋषि मुनि सेवा करते थे। इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, कुत्तों के पांव ना दबाओ, गाय के चरण दबाओ, गाय की सेवा करो। कुत्ते अपनी आप अपनी जगह ठीक हैं, हम रोटी सबको देते हैं, पानी, आप दुत्कारो मत किसी को, अपमान ना करो किसी का, पर गाय जितना है ना सम्माननीय है। देखो सबके अपने अपने स्थान, सबको एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। आप कहते हैं आप भेदभाव कर रहे हैं, आप इस नजरिए से उसे ना, सबको एक नजरिए से कैसे देख सकते हैं। अच्छा आप बताओ, आपके सामने 10 पुरुष खड़े हैं और 10 में आपका पति भी खड़ा है, तो आप क्या 10 पुरुषों को एक नजरिए से देख सकते हैं? बोलो, देख सकते हैं? तो नजरिया अलग अलग होता है कि नहीं? जो महत्व आपके जीवन में आपके पति का है, वो महत्व आपके पति के मित्र का आपके जीवन में नहीं है। पति का दोस्त है, फ्रेंड है, पारिवारिक संबंध है, भाई है, घर का व्यक्ति है, ठीक है, पर जो महत्व पति का है वह महत्व पत्नी के लिए और किसी का नहीं हो सकता। हो सकता है? वो आदर सबका करेगी, वो पानी देगी, वो भोजन कराएगी, वो सम्मान देगी, पर जो पति को स्थान देती है वो पर पुरुष को नहीं दे सकती। क्यों जी? सही, आप सहमत हैं इस बात से? जैसे एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त वह स्थान किसी को नहीं दे सकती जो पति को देती है। सबके अपने अपने स्थान नियुक्त हैं। माँ का क्या स्थान है, पत्नी का क्या स्थान, हम जो बातें अपनी पत्नी से करते हैं वो माँ से नहीं कर सकते, वो बात अपनी बहन और अपनी बेटी से नहीं कर सकते, और जो बात बेटी से करते हैं वो अपनी माँ से नहीं कर सकते। बेटी को डांट के बोलते हैं पढ़ा कर, हम माँ से नहीं कह सकते तू पढ़ा कर। मतलब एक बेटी के साथ हमारा व्यवहार अलग है, हमारी माँ के साथ हमारा व्यवहार अलग है। क्यों जी? सही है? हमारी बहन के साथ हमारा व्यवहार अलग है और हमारी पत्नी के साथ हमारा व्यवहार अलग है। मतलब सबको हम एक नजरिए से नहीं देख सकते। उसी तरह भैंस को, बकरी को और गाय को एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। मेरे भारतीयों, सबका अपना अपना देखने का दृष्टिकोण अलग है। गाय अलग है, बकरी और भैंस अलग है। गाय माता है, बकरी माता नहीं। बकरी का वो स्थान नहीं है जो गाय का है। इसलिए मैंने सारी चीजें समझा दी, शायद आप समझ गए हो। इसलिए कुत्ते को अपने बेड पर रखना सही है, कुत्ते को अपनी रसोई में रखना सही है, कुत्ते से अपना मुंह चटवाना सही है। कुत्ता कुत्ता है साहब, सबके एक अपने अपने स्थान है। आप कुत्ते को अपने बेड पर रख लो, उचित नहीं, अनुचित है। आपके बेड पे, आपके बिस्तर पे गाय का छोटा सा बछड़ा, बछिया बछड़ा बैठे तो शोभनीय है कि गाय का बछड़ा आपके बेड में, आपके घर के भीतर रसोई में घूम रहा है, उसका घूमना शोभनीय है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के नंद भवन के नंद आंगन में भगवान बछड़ों के संग खेला करते थे, बछड़ों के संग बैठ के खाया करते थे, खाते रहते थे, बछड़े आ जाते थे तो भगवान उन्हें भी खवाते थे। तो गाय बछड़ा जो स्थान रखते हैं वो कुत्ता नहीं रखता साहब। इसलिए सबका दृष्टिकोण अलग अलग, अलग अलग, सबकी तराजू अलग होती है ना, क्या बताएं हम आपको। सोना तौलने की तराजू अलग होती है और टमाटर आलू तौलने की तराजू, बोलो हाँ। जिस तराजू से आप टमाटर तौलते हैं, आलू तौलते हैं, क्या उस तराजू से सोना तौला जाएगा? और जिस तराजू से सोना तौला जाता है
उस तराजू से आलू टमाटर नहीं तोले जा सकते, सबकी तराजू में अलग अलग होती है। तो गाय अलग तराजू में तोल कर देखो, गाय माता है, कुत्ता बिल्ली बकरा इनकी तराजू अलग है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।